मॉर्निंग एवरीवन, आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स सब जानते हैं हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, बट फिर भी आज की डेट में हम लो कार्ब डाइट पे जा रहे हैं। क्यों लो कार्ब डाइट? जी हाँ, वेट लूज करना है तो कार्ब्स कम कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए, प्रोटीन ले लीजिए, फैट ले लीजिए। बट आपको एक बात बता दूं कि हमारे बॉडी के लिए तीन मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। तीनों एनर्जी दे सकते हैं, बट उसमें से कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? एनर्जी देना बॉडी का, उनका प्राइमरी फंक्शन है। जबकि प्रोटीन का प्राइमरी फंक्शन है हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट, हमारे टिश्यूज की रिपेयरमेंट, हमारे मसल्स को रिपेयर करना, और कहीं ना कहीं वुंड हीलिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे काम करता है हमारी बॉडी में प्रोटीन। बट ये उसके मेजर रोल है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे सफिशिएंट क्वांटिटी में तो क्या करेगी बॉडी? उसको एनर्जी तो चाहिए, वो क्या करेगा? प्रोटीन से ले लेगा। जी हाँ, और अब प्रोटीन यूज हो रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि सही नहीं है। और आपकी आपकी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, उसका जो ब्रेकडाउन होगा उसका कारण क्या होगा? कि हम अपनी बॉडी में सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दे रहे, प्रोटीन दे जा रहे हैं, पर वो प्रोटीन भी कैसे यूज हो रही है? एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि सही नहीं है। सिमिलरली फैट्स का भी प्राइमरी जो एम है वो है ल्यूब्रिकेशन, आपके मसल्स को, जॉइंट्स को, टिश्यूज को ल्यूब्रिकेट करना। जैसे दरवाजा होता है, उसको अगर आप खोलते हैं, अगर उसको ऑयलिंग नहीं करेंगे काफी टाइम तक, तो उसमें आवाज आएगी, कट 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 कट। तो फैट को अपना रोल परफॉर्म करने दीजिए। अगर वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? हमारी ब्रेन को, हमारे जितने भी ब्लड सेल्स हैं, इंटेस्टाइनिंग लाइनिंग सेल्स हैं, उन सबको ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं, और वो हमारी इन सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर एनर्जी देते हैं। प्रोटीन हमारी ब्रेन के लिए एनर्जी प्रोवाइडर नहीं हो सकते, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, और आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में कार्ब्स जरूर कंज्यूम करने हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्रोटीन और फैट्स को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एक बैलेंस डाइट है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने चाहिए? 50% ऑफ योर टोटल इनपुट, 30% एज अ फैट्स एंड 20% एज अ प्रोटीन। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए कि फैट्स प्रोटीन जरूरी हैं, पर उनके फंक्शंस के लिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे तो फैट्स और प्रोटीन वही काम करेंगे जो कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं एनर्जी देने का, जो कि सही नहीं है। तो अब देखते हैं कि हमें किस तरह के कार्ब्स खाने चाहिए। कार्ब्स मैंने बता दिया जरूरी खाने हैं, बट अब कार्ब्स होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स। तो हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पे फोकस करेंगे, और खासकर उनमें से फाइबरस, जिसमें फाइबर हो, क्योंकि वो हमारे ब्लड शुगर को इमिडिएटली इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि फाइबर होता है तो डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो इमिडिएटली ब्लड नहीं, ब्लड जो स्ट्रीम में शुगर रिलीज नहीं करेगा। तो देखते हैं फाइबरस कार्बोहाइड्रेट जो आपको जरूर खाने हैं। सबसे पहले देखते हैं ओट्स। ओट्स एक बहुत अच्छा होल ग्रेन है, इसे जरूर अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि ये हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा है, ओबेसिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। और 100 ग्राम्स ऑफ ओट्स आपको अराउंड 67 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो है हमारा स्वीट पोटैटो। जी हाँ, स्वीट पोटैटो बहुत ज्यादा अच्छा है हमारे गट के लिए। आप इसमें इसको जरूर कंज्यूम कीजिए, और 100 ग्राम्स ऑफ स्वीट पोटैटो आपको अराउंड 65 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दे देता है। तो आप स्वीट पोटैटो अगर आपको नहीं मिले तो पोटैटो भी ले सकते हैं, बट स्वीट पोटैटो इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी गुड बिकॉज इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट एज वेल। उसके बाद हम जरूर कंज्यूम करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, पर फ्रूट्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट फ्रूट है हमारा बनाना, जिसके ऊपर मिथ है कि खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। जी नहीं, अगर आप एक बनाना खाते हैं अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, तो आपको अराउंड 27 to 28 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, और ये आपको वेट गेन नहीं होने देंगे। और किनुआ, किनुआ के बारे में बात करूंगी। किनुआ बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन्स का। इसमें विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी है, और एक ग्लूटेन फ्री हमारे पास सोर्स है, तो इसको बिल्कुल मिस ना करें। मिलेट्स भी लीजिए, एज पर यूएस हेल्थ गाइडलाइन मिलेट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबरस कार्बोहाइड्रेट। तो ये चीजें अगर आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं, ध्यान रखिए रोटी और चावल को नहीं मिस करना, क्योंकि
रोटी किसे है? होल ग्रेन आटे से है, तो वो आपकी डाइट के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि हम बचपन से खाते आए हैं। इसी तरीके से राइस भी अगर आप खाते आए हैं, शुरू से व्हाइट राइस खा रहे हैं तो व्हाइट राइस ही खाइए क्योंकि वो इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं, अगर ब्राउन राइस आपको नहीं पसंद। तो ये बातें ध्यान रखिए, आपका आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च बेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड कर सके तो जरूर कीजिए, या उनका इनटेक लिमिटेड कर दीजिए। स्टार्च मींस मैदा, जैसे आप मैदे की गुजिया ना खाएं, होल ग्रेन की गुजिया खाएं। उसी तरीके से अब आप केक, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स, इन सब का जो आपको है, जो कार्ब्स हैं, ये वाले कार्ब्स आपको नहीं खाने। प्योर शुगर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं लेने आपको अपनी डाइट में क्योंकि ये अनहेल्दी है और लॉन्ग रन में आपको इम्पैक्ट करेंगे। सो ध्यान रखिए, कार्ब्स खाएंगे और कार्ब्स को उसका प्राइमरी फंक्शन करने देंगे। और एक और बात कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इक्वल 4 किलो कैलोरीज एंड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इक्वल 4 किलो कैलोरीज, तो प्रोटीन खा लेते हैं और कार्ब्स अवॉइड कर देते हैं। जी नहीं, प्रोटीन कब काम कर पाएगा? जब कार्ब्स पूरे होंगे। ध्यान रखिए एंड एंजॉय द कार्ब्स। We'll be right back.